दोस्तों क्या आप जानते हैं किसी भी कार के सामने बम्पर गार्ड लगाना एक गैर कानूनी काम है। अगर आप ये नहीं जानते तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों मोटर वाहन अधिनियम की धारा 52 के अनुसार मोटर वाहन के सामने बम्पर गार्ड लगाना बिल्कुल अवैध है। कई कार मालिक अपनी गाड़ी के सामने बम्पर गार्ड को फिट करते हैं और वह ऐसा सोच के इसे फिट कराते हैं कि यह उनकी गाड़ी पे होने वाले बड़े नुकसान को बचाएगा। और कई कार मालिक अपनी गाड़ी को माचो लुक देने के लिए भी बम्पर गार्ड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बम्पर गार्ड का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाना चाहिए और सरकार ने इसके ऊपर प्रतिबंध क्यों लगा रखा है? दोस्तों बम्पर गार्ड न लगवाने के पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि बम्पर गार्ड एयरबैग के काम के बीच में बाधा डालता है। जब कोई अनहोनी होती है तब एयरबैग को मिलने वाली सूचना के बीच में बम्पर गार्ड बाधा डालता है, जिसकी वजह से क्रैश के दौरान गलत समय पर एयरबैग खुलता है। यह एक सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि कई वाहन निर्माता और बीमा कंपनियां भी बम्पर गार्ड को मंजूरी नहीं देती है। इसके अलावा दोस्तों यदि आप किसी भी पैदल चलते यात्री को टक्कर मारते हैं तो इससे उन्हें गंभीर चोट लग सकती है, क्योंकि आपको पता है कि गार्ड स्टील से बने होते हैं और स्टील से बनने के कारण उससे लगी चोट भी काफी गहरी हो सकती है। इसके अलावा तीसरा मुख्य कारण यह है कि कोई भी कार निर्माता वाहन को सुरक्षित बनाने के लिए उस गाड़ी पे लाखों रुपए का निवेश करता है। गाड़ी के सामने अंत में जो हिस्सा बना होता है जहाँ पे हम बम्पर गार्ड को लगाते हैं उसे क्रुम्पल जोन कहा जाता है, और इस क्रुम्पल जोन को बम्पर, ग्रिल, रेडिएटर, बोनट आदि चीजों को मिलकर बनाया जाता है। जब कार में बम्पर गार्ड फिट कर दिया जाता है तो यह दुर्घटना के दौरान क्रुम्पल जोनों को अप्रभावी बना देता है, जिससे कि गंभीर चोटें आती है तथा मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों उम्मीद है कि आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कार में बम्पर गार्ड क्यों नहीं लगाया जाता है वह इससे जुड़ी कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको यह जानकारी कैसी लगी इस वीडियो को लाइक और मित्रों के साथ शेयर करके जरूर बताइए। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।